हाय स्टूडेंट्स, अभी हमारे स्कूल में जो हमारे देश में हमारे राज्य में जो नए पढ़ाने का नया प्रणाली यानी नए ऑनलाइन टीचिंग के बारे में आप सब सुने होंगे, मैं विश्वास करता हूँ, और मैं उससे बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। यदि इस क्लास में जो सुनने वाले उनमें यदि कोई नए स्कूल में नए एडमिशन है तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरा नाम है ब्रदर जोसेफ, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और मुझे लगता है शायद ज्यादातर लोग सिक्स्थ ईयर से सेवंथ ईयर में आ चुके होंगे और मुझे क्लास में कुछ क्लास शुरू करें। हमारा फर्स्ट चैप्टर है ए डे स्पीच। ए डे स्पीच मतलब एक दिन का इंतजार। इसका रचयिता का नाम है अर्नेस्ट हेमिंग्वे और मुख्य रूप से इस कहानी में हमारे तीन पात्र हैं। पहला है शार्स, इस कहानी का हीरो है, और ये पिता और एक डॉक्टर, मेनली ये तीन पात्र हैं इस कहानी का। और सीधे सीधे इस कहानी की ओर कहानी शुरू करें। ये कहानी आपके किताब के फर्स्ट सेवंथ पेज में है, ए डे स्पीच। सो स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन द चैप्टर। जैसे ही हर एक पोर्शन आपको वीडियो में दिखाई देगा, उसके साथ साथ पढ़ने और समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। ही केम इन टू द रूम टू शट द विंडोज वाई वी वेयर स्टिल इन बेड एंड आई सो ही लुक्ड इल। ही वॉज शिवरिंग, His face was white and he walked slowly as though it ached more. जब वो यानी शास कमरे में खिड़की बंद करने के लिए आ गया तो उनके माता पिता बेड पर थे, और जैसे उनके पापा को उनको देखा तो उनको ये समझ में आ गया कि वो बीमार है। उनका फेस एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा था, वो बिल्कुल शिवरिंग कर रहा था और वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था ताकि दिखने से दूसरों को भी पता चलता है कि उनको कुछ प्रॉब्लम है। व्हाट्स द मैटर शास, आई हैव गॉट ए हेडेक। तो उनके पापा उनसे पूछ रहे शास क्या हुआ। तो उनके माता पिता के इस प्रश्न का शास जवाब दे रहे, मुझे सिर दर्द है। यू बेटर गो बैक टू बेड, नो आई एम ऑल राइट। तो उनके पापा उनसे बोल रहे तुम जाकर बेड पर आराम करो। तो शास बोल रहे कि कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ठीक हूँ। यू गो टू बेड, आई विल सी यू व्हेन आई एम ड्रेस्ड। तो उनके पापा फिर से बोल रहे तुम जाके बेड पर सो जाओ, मैं कपड़ा बदल के आके तुमको देखूँगा। बट व्हेन आई केम डाउन स्टेयर्स ही वॉज ड्रेस्ड सिटिंग बाय द फायर looking a very sick and miserable boy of 9 years. When I put my hand on his forehead, I knew he had a fever. तो उनके पापा स्टेयर्स ऊपर से नीचे उतर के आ रहे थे कपड़ा बदल के, तो वो उन्होंने देखा कि शास जहाँ आग जलाते वहाँ बैठे हैं और बहुत बीमार भी दिख रहा है। वो तभी उनका उम्र के बारे में भी बताया गया है कि वो एक 9 साल का लड़का है। उनके पापा उनके फोरहेड में हाथ लगा कर देखा तो उनको पता चला कि शास को फीवर है। यू गो अप टू बेड, आई सेड यू आर सिक, आई एम ऑल राइट ही सेड। तो उनके पापा उनसे बोल रहे तुम जाके बेड पर आराम करो क्योंकि तुम बीमार हो। तो शास जवाब देते कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। When the doctor came, he took the boy's temperature. What is it? I asked him. 102. तो जब डॉक्टर आया तो वो डॉक्टर शास का टेम्परेचर चेक किया। तो उनके पापा डॉक्टर से पूछते हैं कितना है, मतलब टेम्परेचर कितना है। तो डॉक्टर जवाब देते हैं 102। डाउन स्टेयर्स द डॉक्टर लेफ्ट
डिफरेंट मेडिसिन इन डिफरेंट कलर्ड कैप्सूल्स विथ इंस्ट्रक्शंस फॉर गिविंग दम। तो जब नीचे आया यानी ऊपर के कमरे से नीचे आया तो डॉक्टर उनके पापा के पास तीन कलर का अलग अलग मेडिसिन दे रहे हैं और उनके बारे में इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं। वन वाज टू ब्रिंग डाउन द फीवर, यानी एक मेडिसिन फीवर कम करने के लिए है। अनदर ए पर्गेटिव, दूसरा वो पेट साफ करने के लिए। द थर्ड टू ओवरकम एन एसिड कंडीशन, तीसरा पेट के अंदर जो एक तरह का एसिड कंडीशन है उसी को ओवरकम करने के लिए। द जेम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा कैन ओनली एग्जिस्ट इन एन एसिड कंडीशन, ही एक्सप्लेन्ड। यानी जो कोई भी बीमारी का जो भी जेम रखते हैं, वो वायरस जो भी कीटाणु है, वो हमारे पेट के अंदर जो एसिड कंडीशन सिर्फ उसी में रह पाएगा, इसलिए वो कंडीशन को ओवरकम करने के लिए तीसरा मेडिसिन है। ही सीम टू नो ऑल अबाउट इन्फ्लुएंजा एंड सेड देर वॉज नथिंग टू वरी अबाउट इफ द फीवर डिड नॉट गो अबव 104 degrees। दिस वॉज ए लाइट एपिडेमिक ऑफ फ्लू, देर वॉज नो डेंजर इफ यू अवॉइडेड निमोनिया। अभी ये बता रहे हैं कि इस डॉक्टर को ये इसी तरह का बीमारियों के बारे में बहुत जानकारी है और वो डॉक्टर शास के पापा से बोल रहे यदि वो फीवर 104 डिग्री के ऊपर तक नहीं जा रहे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और ये यदि आप निमोनिया को अवॉइड कर दिया है तो उसी में आपको कोई डरने की कोई बात नहीं है। बैक इन द रूम आई रोट द बॉयज़ टेम्परेचर डाउन and made a note of the time to give the various capsules. Shaz ke papa kamre mein wapas aa jata hai aur unke temperature ek note mein likh de rahe hai. Usi ke baad kab kab ye alag alag medicine dena hai wo bhi us note mein likh rahe hai. Uske baad unke papa unse puch rahe, do you want to me to read to you, yani उनसे उनके पापा उन शाह से पूछ रहे क्या मैं तुम्हारे लिए कोई किताब पढूं। ऑल राइट इफ यू वांट टू सेट द बॉय, तो शाह ये जवाब देते हैं कि यदि आप चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। हिज फेस वॉज वेरी वाइट एंड देर वेर डार्क एरियाज अंडर हिज आईज, ही ले स्टिल इन द बेड एंड सीम्ड वेरी डिटैच्ड फ्रॉम व्हाट वॉज गोइंग ऑन। तो उनका फेस अभी भी बहुत सफ़ेद सफ़ेद जैसा दिख रहा था और उनकी आंखों के नीचे एक तरह एक एरिया था जो डार्क दिख रहा था और वो बेड पर लेटे हुए थे। आई रेड अलाउड फ्रॉम हॉवर्ड्स पाइल्स बुक ऑफ पायरेट्स बट आई कुड सी ही वॉज नॉट फॉलोइंग वाट आई वॉज रीडिंग। मैं यानी शास के पापा हॉवर्ड पाइल का बुक ऑफ पायरेट्स नामक किताब लेकर पढ़ने के लिए शुरू किया, लेकिन उनके पापा को ये पता चला कि जो भी पढ़ रहे शास उनका नहीं सुन रहा था। हाउ डू यू फील शास, आई आस्क्ड हिम। शास के पापा उनसे पूछ रहे कि शास तुम्हें किस तरह कैसे लग रहे हैं। जस्ट द सेम सो फार, ही सेड। तो शास जवाब दे रहे बिल्कुल पहले की तरह ही हूँ। आई सैट द फूड एट द I sat at the foot of the bed and read to myself while I waited for it to be time to give another capsule. यानी वो बेड के उस एक साइड पे बैठ के वो किताब पढ़ रहा था और मैं यानी अगला कैप्स्यूल देने के टाइम तक वो इंतज़ार करता रहा। It would have been natural for him to go to sleep, but when I looked up ही वॉज लुकिंग एट द फुट ऑफ द बेड लुकिंग वेरी स्ट्रेंजली। उनके पापा सोच रहे कि जल्दी जल्दी वो यानी शास सो जाएंगे, लेकिन वो सोया नहीं था, अवेक था और एक अलग ही अंदाज में उनके बेड के दूसरी ओर तक देख रहा था।
After a while, he said to me, "You don't have to stay in here with me, Papa, if it bothers you." शास उनके पापा से बोलते हैं, यदि आपको कुछ परेशानी या कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो आप इधर मेरे साथ इधर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। It doesn't bother me. तो उनके पापा बोलते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। No, I mean you don't have to stay if it is going to bother you. तो शास फिर से बोलते हैं कि यदि आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहे हो तो आप बाहर जा सकते हैं। I thought perhaps he was a little light-headed and after giving him the prescribed capsule at 11 o'clock, I went out for a while. थोड़ी देर के बाद उनके पापा को लगा कि वो थोड़ा सा अच्छे मूड में है, उनको सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, इसीलिए 11 बजे उनको जो मेडिसिन देना था वो देने के बाद कुछ देर के लिए शास के पिता उस कमरे से बाहर जाते हैं। It was a bright, cold day, the ground covered with a sleet that has frozen so that it seemed as if all the bare trees, the bushes, the cut brush on all the grass and the bare ground had been varnished with ice. वेगर बहुत ठंडे दिन था और जमीन पूरा बर्फ से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि सब पेड़ जो भी छोटे छोटे पौधे हैं ये सब आइस से वार्निश किया गया था। आई टुक ए यंग आयरिश सेटर फॉर ए लिटिल वॉक अप द रोड अलोंग द फ्रोजन क्रीक बट वॉज डिफिकल्ट टू स्टैंड और वॉक ऑन द ग्लासी सरफेस एंड ए रेड डॉग स्लिप्ड एंड स्लिथर्ड एंड आई फेल्ट ट्वाइस हार्ड वंस dropping my gun and having it slide away over the ice. Creek यानी छोटा सा एक stream या छोटा सा एक नदी। शास के पिता एक पालतू कुत्ता के साथ चलने के लिए जाते हैं और वो एक फ्रीज किए गए एक क्रीक के ऊपर से चल रहे एक नदी के ऊपर से चल रहे तो एक तरह से ग्लासी सरफेस हो गया था इसलिए थोड़ा सा स्लिपरी भी हो रहा था और कुत्ता भी स्लिप हो रहा था और शास के पिता दो बार फिसल के गिर भी गए और एक बार उनके पास से गन भी नीचे गिरा था और वो आइस में स्लाइड करके गए थे। वी फ्लश्ड ए कवे ऑफ कोयल under a high clay bank with overhanging brush and I killed two as they went out of sight over the top of the bank. Some of the covey lit in trees but most of them scattered into brush piles and it was necessary to jump on the ice-coated mounds of brush several times before they would flush. Coming out while we were poised unsteadily on the icy springy brush they made difficult shooting and I killed two mystify and started back pleased to have found a covey close to the house and happy there were so many left to find on another day. Quail yani ek chota sa brown pakshi jiska anda aur maas log khaye jate hai. Shas ke pita एक बैंक के नीचे हुए छिपे हुए इन पक्षियों को उधर से निकाला और ऐसे ही कुछ जैसे वे लोग निकल आ रहे थे वो भागने की कोशिश किया लेकिन एक दो ऊपर उड़ गए थे वो उनको उनके पिता ने मार डाला और पूरी तरह से कोशिश करने पर भी अच्छी तरह से निशाना लगाने के लिए वो कर नहीं पाया। दो पक्षियों को उन्होंने मारा लेकिन पाँच शॉट मिस कर दिए। कुछ देर के बाद वो वापस चले आते हैं और उनके घर के पास इसी तरह के एक और ग्रुप को बहुत घर के पास पाने पर वो खुश हो जाता है। एट द हाउस दे सेड द बॉय हैड रिफ्यूज्ड टू लेट एनीवन कम इनटू द रूम। जब वो अपने घर वापस पहुंचा तो घर वाले उनसे बोल रहे कि शास किसी को उनके कमरे में अंदर आने के लिए नहीं दे रहा था। यू कांट कम ही सेड वो बोल रहा था आप अंदर नहीं आ सकते। You must not get what I have.
मुझे जो है वो आप लोगों को नहीं मिलना चाहिए। आई वेंट अप टू हिम एंड फाउंड हिम इन एग्जैक्टली इन द पोजिशन आई हैड लेफ्ट हिम, वाइट फेस्ड बट विद द टॉप्स ऑफ हिज चीक्स फ्लश्ड बाय द फीवर, स्टेयरिंग स्टिल as he had stared at the foot of the bed। जब उनके पापा उनके कमरे में फिर चला गया तो उनको जैसे उनको उस कमरे में छोड़ा था उसी तरह उनको पाया, और वो उनका चेहरा पहले की तरह सफ़ेद सफ़ेद जैसा, थोड़ा सा फीवर भी था, बड्डी के दूसरी ओर देख रहा था। आई टुक हिज टेम्परेचर, उन्होंने उनका टेम्परेचर देख लिया कितना है, जिसका जांच किया। वाट इज़ इट? समथिंग लाइक 100, आई सेड। इट वॉज 102 and 4 tenths। इट वॉज 102, ही सेड। हु सेड सो? तो शास पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर कितना है, तो उनके पापा जवाब देते हैं कि वो लगभग 100 के करीब है। तो शास जवाब देते हैं ये पहले 102 था। और वो पूछ रहे कौन बोला है, द डॉक्टर। शास के पिता जवाब देते हैं डॉक्टर ने बोला है टेम्परेचर 102 है। योर टेम्परेचर इज ऑल राइट, आई सेड, नथिंग टू वरी अबाउट इट। पापा उनके पापा बोलते हैं तुम्हारा टेम्परेचर तो ठीक है, इसी के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। आई डोंट वरी, ही सेड, बट आई कैंट कीप फ्रॉम थिंकिंग। तो उसके पिता से शास बोलते हैं मुझे कोई वरी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे इसी चीज़ के बारे में सोचने से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। डोंट थिंक, आई सेड, जस्ट टेक इट ईसी। तो पापा बोलते हैं तुम सोचो मत। टेकिंग इट ईसी, ही सेड, आई लुक्ड स्ट्रेट अहेड। मैं सब कुछ आसानी से देख रहा हूँ, और वो सीधे देखने लगे। ही वॉज एविडेंटली होल्डिंग टाइट ऑन टू हिमसेल्फ अबाउट समथिंग। वो कुछ मन में कुछ सोचते हुए इसी तरह बात कर रहा था। टेक इट दिस विथ वाटर, उनके पापा बोलते हैं तुम ये पानी के साथ ले लो। डू यू थिंक इट विल डू एनी गुड, पापा से शास पूछते हैं क्या मैं ये लेने से मुझे कुछ फ़ायदा होगा? ऑफ कोर्स इट विल, तो पापा जवाब देते हैं जरूर इससे फ़ायदा होगा। आई सैट डाउन एंड ओपन ए पायरेट बुक एंड कमेंस टू रीड, बट आई कुड सी ही वॉज नॉट फॉलोइंग सो आई स्टॉप। उनके पापा मेडिसिन देने के बाद वो बैठ कर एक किताब पढ़ने के लिए शुरू किया, और उनके पापा देखा कि वो बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं, और इसीलिए वो पढ़ना बंद कर दिया। अबाउट वाट टाइम डू यू थिंक आई एम गोइंग टू डाई, ही आस्ट। तो पापा से पूछ रहे क्या आपको पता है मैं कब मरूंगा? ये सुनकर पापा पूछते हैं क्या, वाट? अबाउट हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर आई डाई, मैं मरने के लिए कितना और टाइम लगेगा? तो शास पूछ रहे हैं यू आर नॉट गोइंग टू डाई, मैटर विथ यू? तो ये सुनकर उनके पापा थोड़ा अचंभे में पड़ गए, और उससे बोल रहे हैं तुम नहीं मरने वाले हो, और तुम्हें क्या हुआ है, तुम इसी तरह का बातें कर रहे हो? ओ यस आई एम, आई हर्ड हिम से 102। मैंने ये सुना है कि डॉक्टर ने कहा कि मुझे 102 का फीवर है। पीपल डोंट डाई विथ ए फीवर ऑफ 102। तो उनके पापा शास को बोल रहे हैं 102 का फीवर होने से कोई मरता नहीं है। ही हैड बीन वेटिंग टू डाई ऑल डे सिंस 9 o'clock इन द मॉर्निंग। शास सुबह 9 बजे से अपना मौत का इंतजार कर रहा था। यू पुअर शास, आई सेड, पुअर ओल्ड शास, इट इज़ लाइक माइल्स एंड किलोमीटर्स। तो अभी पापा इसका जो एक्सप्लेनेशन दे रहे वो बेचारा शास, ये दोनों का डिफरेंस माइल्स और किलोमीटर के फर्क होता है। यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम नहीं मरने वाले हो। देर इज ए डिफरेंट थर्मोमीटर, ये एक अलग थर्मोमीटर है। ऑन दैट थर्मोमीटर 37 इज नॉर्मल, ऑन दिस काइंड इट्स 98।
उस तरह का थर्मामीटर में 37 नॉर्मल है, लेकिन इस थर्मामीटर में 98 नॉर्मल है। तो शास उनसे शास को यह सब सुनने पर विश्वास नहीं हुआ थोड़ा। वो उनके पापा से पूछे, आर यू श्योर, क्या आपको ये पक्का विश्वास है? एब्सोल्युटली आई सेड, इट्स लाइक माइल्स एंड किलोमीटर्स, यू नो, लाइक हाउ मेनी किलोमीटर्स वी मेक व्हेन वी डू 70 माइल्स इन ए कार। तो उनके पापा बोल रहे कि जब उन्होंने पूछा कि आर यू श्योर, तो उनके पापा का जवाब है एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है, ये तुम मरने वाले नहीं हो, ये दोनों अलग अलग डिग्री का थर्मोमीटर है, ये माइल्स और किलोमीटर के डिफरेंस इसी में आते हैं। ओ ही सेड, बट हिज गेज एट द फुट ऑफ द बेड लार्ज सोली। वो पहले अपने पैर के और थोड़ा ज्यादा गेज के साथ देख रहा था, वो थोड़ा वो लेस होने लगे। द होल्ड ओवर हिमसेल्फ लैक्स टू। फाइनली द नेक्स्ट डे ही वॉज स्लैक एंड क्राइड वेरी इजिली एट लिटिल थिंग्स दैट वेयर नो इम्पोर्टेंस। कठिनाई जो प्रॉब्लम उनके मन में था वो सब थोड़ा पिघलने लगा, और अगले दिन से वो नॉर्मल हो गया, और जो इम्पोर्टेंट बात नहीं था उनके लिए पहले की तरह रोना शुरू कर दिया।